नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, अगर आपके पास भी आईबॉल का कोई पुराना राउटर पड़ा हुआ है, तो ये जैसे कि मेरे हाथ में देखिए, मेरे पास आईबॉल का पुराना राउटर है सिंगल बैंड। तो दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई सिंगल बैंड पुराना राउटर आईबॉल का है और वो किसी काम के लायक नहीं है और आपको रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपने प्राइमरी कनेक्शन ले रखा है, चाहे फाइबर पे चाहे इंटरनेट पे, तो आप इस आईबॉल के पुराने राउटर को एज अ एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं। बस एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आपको, जिससे आपकी जो रेंज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके वाईफाई की रेंज भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज मैं इस चैनल में इस वीडियो में बस ये बताने वाला हूँ कि आईबॉल के पुराने राउटर को किस तरीके से एज अ एक्सटेंडर बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए इस वीडियो के बारे में, इसके बारे में कि आईबॉल के राउटर को एज अ एक्सटेंडर कैसे बनाया जाता है वाया लाइन केबल के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर। ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर, दिखाते हैं किस तरीके से आईबॉल को एज अ एक्सटेंडर यूज किया जाता है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वाईफाई को ओपन कर लिए हैं। वाईफाई ओपन करेंगे तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आईबॉल से कनेक्ट है। ठीक है, आईबॉल से कनेक्ट है। ठीक है, हम क्या करना है, हमें आईबॉल की और जो प्राइमरी राउटर FTTH की, दोनों के आईपी एड्रेस पता करना है। तो FTTH जो हमारा प्राइमरी राउटर है, हमें उसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता है, हम फिर भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जो प्राइमरी राउटर FTTH 5G के नाम से है, उसको हमने कनेक्ट कर लिया है और गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, उसका जो प्राइमरी राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, जो कि हमारे साइरोटेक का जो प्राइमरी राउटर लगाया है मैंने, उसका प्राइमरी आईपी एड्रेस ये है। तो 192.168.1.1 जैसे हमने सर्च बार में डाला, ओपन किया, ये हमारा लॉगिन पेज खुल गया हमारे प्राइमरी राउटर का। ठीक है, याद रखिए कि प्राइमरी राउटर का ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 है, वाईफाई कनेक्ट करके हमने ये आपको दिखा दिया। अब सेकेंडरी राउटर जो हमारा आईबॉल का राउटर, जिसके में सारी कॉन्फ़िगरेशन सब सेकेंडरी में ही करनी है, ठीक है, इसकी हमें आईपी एड्रेस का पता लगाना है कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है। तो पावर दे देने के बाद, पावर हमने दे दिया है, हमारा राउटर ऑन हो चुका है। अब चलिए इसको हम इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं आईबॉल को। तो हम मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद हम आईबॉल वाले को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आईबॉल वाले वाईफाई पे जाते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, कनेक्ट कर लेते हैं। चूंकि हमें आईबॉल का आईपी एड्रेस नहीं पता है, वैसे आईबॉल राउटर का कोई भी राउटर, उसका आईपी एड्रेस और वाईफाई का लॉगिन पासवर्ड सारा राउटर के पीछे दिया होता है। अगर आपको आईपी एड्रेस, लॉगिन आईपी एड्रेस नहीं पता है, तो आपको करना क्या है, कनेक्ट करने के बाद रन कमांड खोलना है। ठीक है, रन कमांड पर डालना है आपको CMD, रन कमांड खोलना है, वहाँ पे डालना CMD डालने के बाद इंटर करना है। यहाँ पर आएगा IP config सब स्मॉल लेटर में डालेंगे IP config। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आएगा, ये आपके राउटर का लैन आईपी एड्रेस होगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखा रहा है 192.168.1.1, ये हमारे आईबॉल राउटर का आईपी एड्रेस है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है, अब इस 192.168.1.1 को हम सर्च बार में डाल के अपना सेकेंडरी राउटर जो है आईबॉल वाला, उसको ओपन कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह कि प्राइमरी राउटर का आईपी एड्रेस भी 192.168.1.1 है और सेकेंडरी का भी सेम आईपी एड्रेस है। ठीक है, दोनों का आईपी एड्रेस जो है सेम है, तो हमें लैन आईपी चेंज करनी पड़ेगी हमको सेकेंडरी राउटर की या प्राइमरी राउटर की, याद रखिएगा। तो मैं सेकेंडरी राउटर के चेंज कर देता हूँ। तो आईपी एड्रेस डालूंगा, लॉगिन करूंगा, तो आईबॉल का मेरा सेकेंडरी राउटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तो मैंने लैन पोर्ट नहीं लगा रखा है अपने सेकेंडरी राउटर में, इसीलिए लिख करके आ रहा है वैन पोर्ट अनप्लग। ठीक, तो हमें करना क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बता देते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। हमें जाना होगा वैन सेटिंग्स में, ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए तो वैन सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, वैन सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, PPOE, डायनेमिक और स्टैटिक। तो हमें स्टैटिक पे क्लिक कर लेना है। तो स्टैटिक पे जैसे क्लिक करेंगे, हमें आईपी एड्रेस मांगेगा, सबनेट मास्क मांगेगा, डिफॉल्ट गेटवे मांगेगा। तो जो यहाँ पर आईपी एड्रेस डालेंगे, हमें ये प्राइमरी वाले आईपी एड्रेस के रेंज में ही हमको डालना। तो प्राइमरी वाला जो हमारा आईपी एड्रेस है, लैन आईपी 192.168.1.1 है, तो इसी रेंज का हमको डालना है। मतलब कि 1 से लेके 254 के बीच में हमको यहाँ पे आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डाल दे रहे हैं 192.168.1.5। ठीक है,
अब सबनेट मास्क 255.255.255.0। देखिए जैसा कि प्राइमरी राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, अब इसी आईपी एड्रेस को हमको डाल देना है अपने डिफॉल्ट गेटवे में। ठीक, डिफॉल्ट गेटवे में हमको प्राइमरी वाले राउटर का आईपी एड्रेस डाल देना है, फिर प्रिफर्ड डीएनएस डालना है और अल्टरनेट डीएनएस डाल देना है। तो डिफॉल्ट गेटवे में हम प्राइमरी वाले राउटर का आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.1। ठीक, उसके बाद DNS डाल देंगे प्रिफर्ड DNS में 8.8.8.8 जो कि गूगल का DNS है। ठीक है, अब अल्टरनेट DNS में डालेंगे 8.8.4.4। ठीक, तो जब डालेंगे और सेव करेंगे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका इंटरनेट वाली IP WAN IP और LAN IP दोनों सेम है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, LAN IP जो होनी चाहिए दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक, सेव करेंगे, देखिए ये मैसेज आ गया। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि सेकेंडरी राउटर का या प्राइमरी राउटर का आपको लैन आईपी चेंज करना है। मैं सेकेंडरी राउटर की लैन आईपी चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का आईपी 1.1 है, नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी राउटर की सेटिंग में ही इसी पेज पे। ठीक है, मेंटेनेंस पे जाएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर सेकेंडरी राउटर का हम लैन आईपी चेंज कर देंगे, तो हम इसको 0.1 कर दे रहे हैं। सेकेंडरी राउटर की अब हमारी आईपी एड्रेस हो जाएगी 192.168.0.1 और प्राइमरी वाले राउटर की आईपी एड्रेस है हमारी 192.168.1.1। तो जैसे ही हम आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, हमारा सेकेंडरी राउटर जो है वो एक बार रीस्टार्ट होगा, मतलब ऑफ होगा, ऑफ होकर के ऑन हो जाएगा। तो हमें डिवाइस को ऑफ नहीं करना है, बंद नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका जो लैन आईपी है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तभी हमारा इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन डन हो पाएगी। दो सेटिंग करना है, ठीक है, लैन आईपी चेंज करना है और सेकेंडरी राउटर का जो आईपी एड्रेस पड़ेगा वो प्राइमरी वाले राउटर के आईपी एड्रेस के रेंज में पड़ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा लैन आईपी चेंज हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, सेकेंडरी जो राउटर है उसमें अब हमको वैन वाले पोर्ट में लैन केबल लगानी है जो कि हमारे प्राइमरी राउटर से आई हुई है। ठीक है, अभी जो लैन पोर्ट हम लगा, लैन जो केबल दिख रही है इथरनेट केबल, उसको हम वैन पोर्ट में लगाएंगे सेकेंडरी राउटर के। ठीक, तभी हमारा इंटरनेट चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। हमने वैन पोर्ट में एक इथरनेट केबल लगा दी है, ये इथरनेट केबल हमारे प्राइमरी राउटर के लैन पोर्ट से आई हुई है। ठीक है, अब लगाने के बाद चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमारा इंटरनेट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम दोस्तों एक बार फिर से जा रहे हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लैन केबल लगाएंगे वैन पोर्ट पे, तो हमारा आईबॉल का इंटरनेट चालू हो जाएगा। देखिए कनेक्टेड दिखा रहा है, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा प्रॉपर इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने लैन आईपी चेंज कर दी और वैन आईपी जो कि हमारा प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस है 1.1, उसको डिफॉल्ट गेटवे में डाल दिया। बस यही दो सेटिंग करनी है आपको, आपका इंटरनेट चल जाएगा। ठीक, गूगल क्रोम खोल लिया है। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, राउटर की आईपी एड्रेस चेंज हुई है कि नहीं हम ये देख लेते हैं। तो 192.168.0.1 डालेंगे गूगल क्रोम के सर्च बार में और इंटर करेंगे। तो जैसे इंटर करेंगे दोस्तों, हमारा जो सेकेंडरी राउटर आईबॉल्ब का है वो आईबॉल वाला जो है आराम से हमारा खुल जाएगा। दोस्तों देखिए लैन आईपी चेंज हो चुकी है और हमारा ऑनलाइन आ चुका है सेकेंडरी राउटर, है ना। तो हमारा इंटरनेट सेकेंडरी राउटर पर चल गया है। इस तरीके से आप भी अपने आईबॉल के राउटर को एक एक्सटेंडर बना सकते हैं बहुत आसानी से, दो सेटिंग्स करनी है। चलिए अब चेक कर लेते हैं सर्च करके, कुछ भी कोई भी वेबसाइट दैनिक जागरण डाल के हम सर्च कर लिया तो दोस्तों हमारा अभी इंटरनेट चल रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप भी अगर आपके पास आईबॉल का राउटर है तो आप सेकेंडरी राउटर बना सकते हैं, अपने रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल रहा है, वाईफाई नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइमरी वाले राउटर को एज अ लैन केबल के थ्रू ले जा करके आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी राउटर, एज अ रिपीटर। इस वीडियो में आपको हमने ये बताया। दोस्तों हमें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्पीड चेक कर लेते हैं अभी हमारी स्पीड कितनी आ रही है। fast.com डाला हमने और अभी जो हमारी जो सेकेंडरी राउटर पे जो स्पीड मिल रही है, चूँकि सिंगल बैंड राउटर है हमारा दो एंटीने वाला, तो हमें जो स्पीड मिले 47 Mbps स्पीड मिल रही है हमारे दो एंटीने वाले राउटर पे सिंगल बैंड पे आईबॉल की, चूँकि हमने लाइन के थ्रू उसको एक्सटेंडर बनाया है। तो दोस्तों 47 Mbps हमें स्पीड अभी मिल रही है हमारे सेकेंडरी राउटर पे। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी एक बार लाइक जरूर करिएगा और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए कंटिन्यू, लगातार हम इस तरीके की वीडियो पर डे एक लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कनेक्ट कर रखा है आईबॉल वाले सेकेंडरी राउटर से अपने वाईफाई को
आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं और स्पीड 47 Mbps मिल रही है वाया लैन केबल के थ्रू, ठीक है। बस हमने दो सेकेंडरी वायर राउटर के लैन आईपी को चेंज कर दिया है और प्राइमरी आईपी की रेंज में ही अपना वैन आईपी डाला हुआ है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Bye.